नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्म सर आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं या प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का। तो वैसे तो हमने इसका वीडियो बना दिया है, आप सभी लोगों ने जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में हमने इसको समझा दिया है कि पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। यहाँ पर आज हम दोबारा रिवाइज करने वाले हैं, थोड़ा सेंटेंसों को, बड़े सेंटेंसों को हम बनाने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो में हमने छोटे छोटे सेंटेंस बताए थे जो कि बेसिक थे और जिससे आसानी से समझ में आ जाए, तो यहाँ हम थोड़ा सा बड़े सेंटेंसों को बनाने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हम बड़े सेंटेंसों को भी आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, तो ये वीडियो बहुत आनंदित होने वाला है, बहुत मनोरंजक होने वाला है। आप इसको शुरू से अंत तक देखें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, बीच में स्किप करके छोड़े मत, और इसको समझें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ग्रामेटिकल बेस में, स्पीकिंग के बेस में, हर तरह से ये आपके लिए लाभदायक है। चाहे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस का रूल एक बार समझ लेते हैं। तो रूल्स यह है बच्चों कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर जैसा कि आप जानते भी हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाच, हेल्पिंग वर्ब वाच, आई के साथ वाच, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, आई एन जी, कंटिन्यूअस है इसलिए आई एन जी है, वर्ब में जुड़ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या है कि सभी विद्यार्थी कठिन मेहनत नहीं कर रहे थे। सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को देखते हैं, तो सभी विद्यार्थी का मतलब हो गया आल, आल स्टूडेंट्स, आल स्टूडेंट्स, ठीक है, आल स्टूडेंट्स। उसके बाद है ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर और नॉट। नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है, तो ऑल स्टूडेंट्स वेयर नॉट, सब्जेक्ट मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, नॉट अब मेन वर्ब, मेहनत करना, करना का तो डू होगा तो डूइंग, नॉट डूइंग, और कठिन मेहनत का हो जाएगा हार्ड वर्क, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स वेयर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। दूसरा सेंटेंस है हमारा माली, तो माली की इंग्लिश गार्डनर होता है, तो आवर गार्डनर अब गार्डनर था एक वचन है तो वाज आ जाएगा, वाज नॉट, पानी देना गिविंग वाटर या वाटरिंग, वाटरिंग कर सकते हैं, नॉट वाटरिंग किसका, टू द प्लांट्स, पौधों को, टू द प्लांट्स कहाँ, बगीचे में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन, ठीक है। लड़के कल स्टेडियम में मैच नहीं देख रहे थे, तो बॉयज वी आर नॉट, प्लूरल फॉर्म है, नॉट वाचिंग देखना, मैच देखना वाच होता है, नॉट वाचिंग क्या नहीं देख रहे थे, मैच, नॉट वाचिंग मैच, कहाँ नहीं देख रहे थे, स्टेडियम में, तो इन द स्टेडियम, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो बड़े से बड़े सेंटेंस को हम छोटे के आधार पर ही बना सकते हैं। मेरा भाई कल तालाब में मछलियां नहीं पकड़, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और उसके साथ में नॉट लग जाएगा, बाद में अदर सब्जेक्ट को देखते हैं। मेरा भाई, ये हो गया मेरा भाई, मतलब माई ब्रदर, अब उसके बाद सिंगुलर नंबर है वाज आएगा, और उसके बाद निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, नॉट। अब उसके बाद मेरा भाई क्या नहीं कर रहा था, पकड़ रहा था, पकड़ना का कैच, कैचिंग हो जाएगा, नॉट कैचिंग, अब क्या नहीं पकड़ रहा था, मछलियां, फिशेस, कहां नहीं पकड़ रहा, तालाब में, इन द पॉन्ड,
ठीक है। मेरा नौकर कल बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था, तो माई सर्वेंट वाज नॉट, माई सर्वेंट वाज नॉट लाना का ब्रिंग होता, नहीं ला रहा था, नॉट ब्रिंगिंग, नॉट ब्रिंगिंग, क्या नहीं ला रहा था, विजिटेबल। कहाँ से? बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। कब नहीं ला रहा था? उसके बाद टाइम आ जाएगा, एस्टरडे, कल नहीं रहा था। ठीक है। मेरी बहन अपने पुराने कपड़े नहीं धो रही थी, तो माई सिस्टर वाज नॉट, क्या कर रही थी, धो रही थी, वॉशिंग, धो रही थी, क्या नहीं धो रही थी, अपने पुराने कपड़े। तो माई सिस्टर वाज नॉट वॉशिंग हर ओल्ड क्लोथ्स। ठीक है। मेरा दोस्त बाजार से पैदल नहीं आ रहा था, तो माई फ्रेंड, माई फ्रेंड वाज नॉट कमिंग, कमिंग फ्रॉम, कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, पैदल, बाई फूट। ठीक है। लकड़हारा जंगल में लकड़ियां नहीं काट रहा था, तो द वुड कटर वाज नॉट कटिंग वुड, वाज नॉट कटिंग वुड, वुड माने लकड़ियां, नॉट कटिंग वुड्स, वुड्स कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है। गीता कल स्कूल में अच्छा गाना नहीं गा रही थी, गीता नहीं गा रही थी, पहले हम इसका करते हैं, गीता वाज नॉट सिंगिंग, नॉट सिंगिंग, क्या नहीं गा रही थी, अच्छा गाना, नॉट सिंगिंग, ए स्वीट सॉन्ग या नाइस सॉन्ग, नॉट सिंगिंग ए नाइस, नाइस सॉन्ग, कहाँ नहीं गा रही थी, स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। हम अपनी माताजी के साथ नहीं टहल रहे थे, बी हम, तो आई भी लिख सकते हैं, नहीं टहल रहे थे, बी वी आर नॉट वॉकिंग, हम नहीं टहल रहे थे, किसके साथ, अपनी माताजी के साथ, बी वी आर नॉट वॉकिंग विद आवर मदर्स, विद आवर मदर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था, इसके आगे और सेंटेंसों को बनाते हैं। आइए बच्चों सेंटेंसों को देखें और सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पिताजी सुबह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, मेरे पिताजी, तो माई फादर। अब इसमें हमने अभी बताया था कि सिंगुलर के साथ वाज लगता है, तो माई फादर वाज नॉट, पढ़ना का रीड होता है, तो क्या होगा, रीडिंग, माई फादर वाज नॉट रीडिंग, क्या,
newspaper. My father was not reading a newspaper. और कब नहीं पढ़ रहे थे? सुबह, in the morning, in the morning. ठीक है, लड़कियां स्कूल में हिंदी निबंध नहीं लिख रही थी. द गर्ल्स, अब ये गर्ल्स जो है प्लूरल हो गया, तो यहाँ वेयर लग जाएगा. वेयर नॉट राइटिंग, क्या नहीं लिख रही थी? द गर्ल्स वेयर नॉट राइटिंग, ये हिंदी एस्से, हिंदी एस्से कहाँ? स्कूल में, इन द स्कूल. हमने पहले भी बताया बच्चों कि स्थान जो है सबसे प्लेस बाद में आता है. ठीक है, स्कूल हो गया. हमारे रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर रहे थे. आवर रिलेटिव्स, आवर रिलेटिव्स वेयर नॉट, मदद करना का हेल्प होता है, तो वे आर नॉट हेल्पिंग, वे आर नॉट हेल्पिंग, आवर रिलेटिव्स वे आर नॉट हेल्पिंग. आवर हमारी से हमारी मदद नहीं कर रहे थे यहाँ, तो आवर रिलेटिव्स वे आर नॉट हेल्पिंग टू मी, यहाँ पर मी आ जाएगा, मुझे या मेरी, ना कि माई आएगा ना कि आवर आएगा. ठीक है, मेरे पिताजी मेरी बहन को पत्र नहीं लिख रहे थे, तो माई फादर वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, एक पत्र. किसको नहीं लिख रहे थे? मेरी बहन को. माई फादर वाज नॉट राइटिंग ए लेटर टू माई सिस्टर. ठीक, कल मैं अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जा रहा था, तो आई वाज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था. कहाँ? टू स्कूल. किसके साथ? अपने भाई के साथ. विद माई ब्रदर. राधा अपनी सहेलियों के साथ बर्तन साफ नहीं कर रही थी, तो राधा वाज नॉट क्लीनिंग. यहाँ साफ करने के लिए क्लीन करना होगा, नॉट क्लीनिंग यूटेंसिल, यूटेंसिल होता है बर्तन, नॉट क्लीनिंग यूटेंसिल. किसके साथ? अपनी सहेलियों के साथ. विद हर फ्रेंड्स, यहाँ दोस्त सहेलियाँ एक है. अगर लड़कियां हैं तो सहेलियां बन जाएगा, दोस्त हैं लड़के हैं तो दोस्त के लिए, लेकिन आएगा फ्रेंड्स. ठीक है, गणरिया खेतों में बकरियां नहीं चरा रहा था. गणरिया सेफर्ड, द सेफर्ड वाज नॉट ग्रेजिंग, द सेफर्ड वाज नॉट ग्रेजिंग गोट्स, क्या नहीं चरा रहा था? बकरियां. गोट्स कहाँ? इन द फील्ड, खेतों, इन द फील्ड्स खेतों में. ठीक है, किसान सुबह खेतों में अपनी फसल नहीं काट रहे थे, ठीक मतलब बहुत सारे हो गए, तो फार्मर्स वेयर नॉट कटिंग. देयर क्रॉप्स, यहाँ देयर क्यों लगा? क्योंकि बहुत सारे हैं. देयर क्रॉप्स इन द फील्ड कब नहीं काट रहे थे? सुबह.
नॉट कटिंग देयर क्रॉप्स इन द फील्ड, खेतों में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक। मोहन अपने दोस्तों के साथ नदी में नहीं नहा रहा था, तो मोहन वाज नॉट बाथिंग। कहाँ नहीं नहा रहा था? नदी में। इन द रिवर। तो मोहन वाज नॉट बाथिंग इन द रिवर। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों। शिकारी जंगल में बाघों का शिकार नहीं कर रहा था। द हंटर वाज नॉट हंटिंग। द हंटर वाज नॉट हंटिंग ऑफ द, बाघ होता है टाइगर, ऑफ द टाइगर्स। द हंटर वॉज नॉट हंटिंग ऑफ द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां पर निगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस के बड़े बड़े सेंटेंसों को, बड़े बड़े वाक्यों को हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और हमारे पुराने वीडियो को भी देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।